तो इस वक्त सबसे बड़ी खबर या कहें खुश खबर मुंबई के ईडी दफ्तर से आ रही है, जहां पर काफी सरगर्मी देखने को मिली, जहां पर सुशांत के एक और दोषी को सलाखों के पीछे पहुंचाने की तैयारी हो रही है। सामने आया है कि दफ्तर के अंदर सीक्रेट मीटिंग भी हुई, जिसमें कई अधिकारी दिल्ली से भी पहुंचे हैं। तो ईडी पिछले एक साल से मुंबई की सियासत में घमासान मचाए हुए हैं। ईडी के अधिकारी अनिल देशमुख और नवाब मलिक के बाद अनिल परब और संजय राउत के पीछे हाथ धोकर पड़े हैं। हाल ही में 1 जुलाई की पूछताछ में भी संजय राउत के जवाबों से ईडी के अधिकारी संतुष्ट नहीं थे और अब इसी को लेकर मुंबई दफ्तर में गहमा गहमी जारी है। संडे का दिन होने के बावजूद ईडी दफ्तर में अधिकारियों का आना जाना लगा रहा और माना जा रहा है कि अब ईडी की तरफ से ऐसा कदम उठाया जाएगा जिसकी इजाजत दिल्ली के हेड ऑफिस से भी ली जा रही है और इसीलिए दिल्ली के आला अधिकारी भी इस मीटिंग में शामिल होने बताए जा रहे हैं। तो क्या है पूरा अपडेट, अब कौन सा बम फोड़ने वाली है ईडी की टीम और ये सीक्रेट मीटिंग किसकी गिरफ्तारी की तैयारी का संकेत दे रही है, आपको बताते हैं सब। आप भी वीडियो को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट दिखाएं और कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। चैनल के साथ जुड़कर चैनल को सब्सक्राइब कर हमारी आवाज बने। तो महाराष्ट्र के विधानसभा इस वक्त नई सरकार को लेकर काफी उत्साहित दिख रही है। नए नवेले मंत्री, बागी विधायक और मुख्यमंत्री तक सब बेहद खुश हैं, क्योंकि ये उनकी राजनीतिक बगावत की जीत है जिसने उद्धव ठाकरे को कुर्सी छोड़ने पर मजबूर कर दिया। खबरें तो ये भी आ रही हैं कि कल उस वक्त विधानसभा में भी हंगामा मच गया जब स्पीकर को लेकर चुनावी प्रक्रिया चल रही थी और इस दौरान कई लोगों ने ईडी की जय जयकार के नारे भी लगाए, जिससे साफ संकेत है कि नई सरकार ये संदेश देना चाहती है कि ईडी की जांच की वजह से ही उनकी सरकार बन पाई है और उद्धव ठाकरे की कुर्सी छिन पाई है। अब भले ही कुर्सी उद्धव ठाकरे की छूटी है, लेकिन सबसे ज्यादा मुश्किल उन लोगों पर आई है जो कि इस वक्त राष्ट्रीय जांच एजेंसियों की जांच से गुजर रहे हैं, जिनमें से एक सबसे बड़ा नाम है संजय राउत, जो कि पात्रा चौल घोटाले में ईडी की पूछताछ का सामना भी कर चुके हैं। अब सूत्रों की माने तो संजय राउत से पूछताछ के ठीक एक दिन बाद ईडी के दफ्तर में काफी गहमा गहमी देखने को मिली। जी हाँ, 1 जुलाई को रात 10 बजे तक राउत से पूछताछ हुई थी और एक के बाद 2 जुलाई को सब सामान्य था, मगर 3 जुलाई को अचानक संडे के दिन ईडी दफ्तर के अंदर कई अधिकारियों को आते और जाते देखा गया। सूत्रों की माने तो ये सभी अधिकारी दिल्ली से आए हैं और किसी गोपनीय मीटिंग में शामिल हुए हैं। मीडिया में आ रही खबरों की माने तो संजय राउत के खिलाफ किसी भी तरह के एक्शन लेने से पहले ईडी की टीम हर तरह की संतुष्टि कर लेना चाहती है और इस मामले में किसी भी तरह की कानूनी अड़चन की गुंजाइश न रहे, इसका मुआयना करने के लिए दिल्ली से टीम मुंबई पहुंची है। सूत्रों के मुताबिक ईडी की टीम संजय राउत से हुई पूछताछ से बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है। राउत से हुए सवाल जवाब से ईडी की टीम को वो सब हासिल नहीं हुआ जिसकी उम्मीद ईडी की टीम को थी। ईडी जिस फंडिंग ट्रेल तक पहुंचना चाहती है उसमें राउत के जवाबों ने क्लैरिटी नहीं दिखाई, इसीलिए अभी ईडी की तरफ से हो सकता है कि संजय राउत को एक बार फिर से पूछताछ के लिए बुलाया जाए और इस बार संजय राउत के साथ हो सकता है कि उनकी पत्नी वर्षा राउत को भी समन जारी किया जाए, क्योंकि जिस 55 लाख रुपए की बात ईडी कर रही है वो राउत की पत्नी वर्षा राउत के खाते में आए थे और उन्हीं पैसों से फ्लैट भी खरीदा गया था, जो कि पूरी तरह गैर कानूनी माना जा रहा है। अब सामने आया कि ईडी की टीम राउत से एक बार फिर से समन जारी करेगी और फिर से पूछताछ के लिए बुलाएगी और इस बार भी अगर संजय राउत के जवाब ईडी की टीम को सही नहीं लगे तो आगे का एक्शन लिया जाएगा और इसी पर चर्चा करने के लिए दिल्ली की टीम मुंबई पहुंची हुई है और सीक्रेट मीटिंग का हिस्सा बनी हुई है। खबरों की माने तो अब राउत की गिरफ्तारी का काउंटडाउन शुरू हो चुका है, क्योंकि जिस तरीके की मीटिंग ईडी के दफ्तर के अंदर हुई है वो इस बात का साफ संकेत है कि अब एक बड़ा नेता फिर से ईडी के जाल में फंसने को तैयार है और इस वक्त उस बड़े नेता को संजय राउत के रूप में माना जा रहा है। तो आपको क्या लगता है, क्या ईडी दफ्तर में जो मीटिंग हुई वो वाकई संजय राउत के लिए थी? क्या अब राउत के भी आर्थर रोड जेल जाने के दिन नजदीक आ चुके हैं? आप भी अपनी बात अपनी राय कमेंट में जरूर रखें और वीडियो को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट भी जरूर दिखाएं। तो 14 जून 2020 को सुशांत सिंह राजपूत के साथ जो कुछ भी हुआ उसकी कल्पना तक किसी ने नहीं की थी। अचानक सुशांत चले गए और हजारों सवाल पीछे छोड़ गए और उनमें से किसी भी सवाल का अब तक कोई जवाब नहीं मिला है। पहले मुंबई पुलिस पर कई तरह के आरोप लगे, कई लोगों को बचाने तक के आरोप लगे और उसके बाद केस सीबीआई के पास गया तो फिर सीबीआई भी अब तक कोई नतीजा नहीं दे पाई है। हाँ, एनसीबी ने जरूर अपनी चार्जशीट दाखिल की है जिसमें साफ साफ लिखा है कि रिया चक्रवर्ती, उसका भाई शौविक चक्रवर्ती, सुशांत के लिए ड्रग्स लेकर आते थे और उसे चोरी छिपे ड्रग देते भी थे, यानी कि मामला एनसीबी ही आगे लेकर जा रही है फिलहाल। अब सुशांत के ड्रग केस में तो इंसाफ जल्दी ही हो सकता है कि क्योंकि ट्रायल भी शुरू होने वाला है, लेकिन सुशांत की मौत के केस में इंतजार लगातार लंबा हो रहा है, लगातार मामला खींच रहा है। मगर इस बीच महाराष्ट्र में बहुत कुछ हुआ तो इंसाफ की बात फिर से कही जाने लगी और इसे भगवान का इंसाफ कहा जाने लगा है और नार्को तक की बात हो रही है।
तो पहले आपको नार्को का पूरा मामला बताते हैं, समझाते हैं और फिर भगवान का इंसाफ भी दिखाएंगे। बिहार बीजेपी की प्रवक्ता निखिल आनंद ने बहुत बड़ा दावा किया है, बहुत बड़ी बात कही है। निखिल आनंद ने कहा है कि महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे और संजय राउत ने ही सुशांत सिंह राजपूत के केस को खत्म करने का काम किया। इनके इशारे पर सबूत मिटाए गए और इनके ही इशारे पर कुछ लोगों को बचा लिया गया जो कि आरोपी थे। यही नहीं, निखिल आनंद यहीं पर नहीं रुके। निखिल आनंद ने अपने ट्वीट में आगे कहा कि संजय राउत ने इनके लिए भोंपू का काम किया, इन्होंने जो भी कहा वो उन्होंने किया। और निखिल आनंद ने नार्को टेस्ट तक की मांग कर डाली। जी हाँ, निखिल आनंद ने साफ साफ कहा कि बाप बेटे और भोंपू यानी कि उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे और संजय राउत का नार्को टेस्ट करवाया जाए तो सब कुछ साफ साफ निकल कर सामने आ जाएगा। जी हाँ, निखिल आनंद ने ये बहुत बड़ी बात कह दी, बहुत बड़ा दावा कर दिया, सबसे बड़ी मांग कर दी कि इन तीन लोगों का नार्को टेस्ट करवाया जाए तो सब कुछ साफ हो जाएगा, पूरा सच सामने आ जाएगा, कहाँ पर गलत हुआ, किसने गलत किया और सुशांत सिंह राजपूत के साथ क्या क्या गलत हुआ, नार्को टेस्ट में सब कुछ सामने आ जाएगा। जी हाँ, ये बहुत बड़ी मांग है, नार्को टेस्ट की मांग हो रही है और वो भी किसी और के नार्को की नहीं बल्कि महाराष्ट्र में सबसे बड़े पद पर बैठे शख्स की, उनके बेटे की और उनकी पार्टी के प्रवक्ता की, ताकि सच निकाला जा सके। अब हालांकि निखिल आनंद ने ये नहीं बताया कि वो क्या सच बताना चाहते हैं, क्या सच निकालना चाहते हैं, क्या वो कुछ जानते हैं, लेकिन नार्को टेस्ट करवाने की मांग जरूर कर दी। अब आगे बढ़ने से पहले आप थोड़ा सा ये भी समझ लीजिए कि आखिर नार्को टेस्ट होता क्या है, इस टेस्ट में क्या होता है। तो असल में नार्को टेस्ट में झूठ पकड़ा जाता है। जी हाँ दोस्तों, इंसान को मशीनों के सहारे रखा जाता है और मशीनों के ही जरिए आधी बेहोशी की हालत में शख्स से सवाल जवाब होते हैं और इस दौरान उस शख्स को हिप्नोटाइज जैसा किया जाता है और सच बोलने के लिए मजबूर किया जाता है और उस कंडीशन में इंसान वही बोलता है जो कि सच होता है, क्योंकि उसके दिमाग में हमेशा सच रहता है, लेकिन वो हमेशा अपने दिमाग का ही इस्तेमाल करके झूठ बोल देता है। लेकिन नार्को टेस्ट में दिमाग पर मशीन का कब्जा हो जाता है, इंसान का कब्जा नहीं रहता और इसीलिए इंसान सिर्फ सच बोलता है और झूठ पकड़ा जाता है। और यही सच बोलने वाला टेस्ट यानी कि नार्को टेस्ट करवाने की मांग कर दी है। निखिल आनंद ने तो यहाँ तक कह दिया कि सबूत मिटा दिए, लेकिन भाग्य कैसे मिटाओगे। जी हाँ, निखिल आनंद ने ये भी बहुत बड़ा दावा किया कि सुशांत सिंह राजपूत के साथ साथ दिशा सालियान केस में भी सबूत मिटा दिए गए, लेकिन अब भाग्य जवाब दे रहा है, भाग्य दिख रहा है और महाराष्ट्र में हो रही उठापटक को भी निखिल आनंद ने सुशांत सिंह राजपूत के केस के साथ जोड़ दिया। साफ साफ कह दिया कि ये सुशांत का ही इंसाफ है, ये ईश्वर का इंसाफ है, भगवान का इंसाफ है, क्योंकि पुलिस, जांच एजेंसियां, सीबीआई भले ही इंसाफ नहीं कर पाए, आगे भी हो सकता है कि इंसाफ इनसे ना हो पाए, लेकिन भगवान इंसाफ कर रहा है। निखिल आनंद ने ये तक कह दिया कि अगर महाराष्ट्र में सरकार जाती है तो फिर ये भी सुशांत मामले में भगवान का इंसाफ ही होगा। जी हाँ, ये बहुत बड़ी बात निखिल आनंद ने कह दी, बहुत बड़ा दावा किया है निखिल आनंद ने यहाँ पर कि सुशांत सिंह राजपूत का सच बहुत जल्द सामने आएगा और सुशांत को बहुत जल्द इंसाफ भी मिलेगा, क्योंकि अब काउंटडाउन शुरू हो